ये स्टोरी है बेलिंडा की, जो स्लम की बहुत पुअर लड़की है। बट उसे अचानक पता चलता है कि उसके डैड कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, तो उसकी लाइफ कैसे बदल जाएगी, ये जानने के लिए आपको इस पूरी स्टोरी देखनी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत रिच फैमिली की बेटी बेलिंडा पहली बार घर में आने वाली थी, इसलिए पूरे घर की साफ सफाई होती है। गार्ड्स के गेट खोलते ही कार आती है जिसमें बेलिंडा नर्वस होने की वजह से हिचकी ले रही थी, पर जैकोब उसे घूर रहा था। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बट वो बिना रिप्लाई दिए मुंह फेर लेता है। तो बेलिंडा अपने बैग से एक बॉडी स्प्रे निकाल के बहुत जोर जोर से छिड़कना शुरू कर देती है, जिससे ड्राइवर को खांसी आ जाती है और जैकोब को भी प्रॉब्लम हो रही थी। बेलिंडा कार के बाहर देखती है तो हैरान थी कि क्या उसके डैड इतने रिच हैं, क्योंकि वो खुद तो बहुत पुअर है, पर अब उसकी लाइफ एकदम बदलने वाली है। ड्राइवर जैसे बाहर थूकता है, बेलिंडा जो कब से चपर चपर किए जा रही थी, थूक सीधा उसके मुंह पे आके चिपक जाता है और वो एम्बेरस होकर चुपचाप बैठ जाती है। घर पहुंचते ही नौकर उसका सामान उठाने लगे थे, पर बेलिंडा खुद उठाने कहती है, पर नौकर नहीं रुकते और उठा के ले जाते हैं। बेलिंडा अंदर जाते हुए बहुत नर्वस हो रही थी। वहाँ एक लेडी एक आदमी से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रही थी, तो बेलिंडा बिना सोचे समझे उस आदमी को अपना डैड समझकर हक कर लेती है और रोती हुई बताती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने डैड से मिलूंगी। बट सब हैरान थे तो जैकोब उसे दूर हटा के बताता है कि ये तुम्हारे डैड नहीं है। बट तभी बेलिंडा के रियल डैड आकर उसे हक कर लेते हैं। वो सॉरी बोलती है कि मैंने उस आदमी को जो कहा था वो आपके लिए था। तो उसके डैड स्माइल करते हैं। बेलिंडा की स्टेप मॉम मैटिल्डा उसे देख बहुत खुश होती है कि बेलिंडा घर वापस आ गई और उसे हक करती है। फिर वो बेलिंडा की स्टेप सिस्टर कैटलिन को भी उसे हक करने को कहती है, पर कैटलिन उसके गंदे से नंगे पांव देखकर मना कर देती है। बेलिंडा बताती है कि मैं अपने गंदे शूज बाहर ही निकाल आई ताकि घर गंदा ना हो जाए। मैटिल्डा कैटलिन को डांटती है कि अपनी सिस्टर से ऐसे बात मत करो, यहाँ आने से पहले उसकी लाइफ एकदम डिफरेंट थी, पर वो फिर भी कितनी रिस्पेक्ट करती है। पर कैटलिन बिना माफी मांगे चली जाती है। जैकोब ये सब देख के बेलिंडा को शूज ला के देता है। मैटिल्डा बेलिंडा को मेड से मिलवाती है, पर मेड तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रही थी और वो रूडली बेलिंडा को रूम में चलने को कहती है, बट जैकोब से बोलते टाइम एकदम रूड से स्वीट बातें करने लगी थी। बेलिंडा उनके बीच में आ जाती है तो उसे भी उसको रूम दिखाने लेके आना पड़ता है। वो तो इतना बड़ा और आलिशान रूम देख के एकदम हैरान थी और खुशी के मारे बेड पे उछल कूद कर रही थी और कहती है, ये मेरे लिए इतना बड़ा है कि तुम भी मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो। पर मेड मना कर देती है और बेलिंडा को इग्नोर करती हुई वर्चुअल असिस्टेंट सीरी को लाइट ऑन करने के लिए बोलती है। बेलिंडा तो डर जाती है कि आवाजें आ कहां से रही हैं। जब भी मेड सीरी से बात करती वो कंफ्यूज होकर इधर उधर झांकती। वो मेड से पूछती है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, बट वो उसे टोटली इग्नोर करके चलती बनती है। काफी ढूंढने के बाद बेलिंडा को पता चल जाता है कि आवाज इस डिब्बे से आ रही है। सीरी उसे इंग्लिश में अपने बारे में बता रही थी, पर बेलिंडा को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती और वो अपना शूज उतार के सीरी को मारती है, जिससे सीरी गिर के टूट जाती है। बाहर सब लोग बेलिंडा का डिनर पे वेट कर रहे थे क्योंकि वो लेट थी, पर कैटलिन छिड़ रही थी कि उन्हें बेलिंडा की वजह से भूखा रहना पड़ रहा है। तभी बेलिंडा आती है और सब उसे देख रहे थे। मेड कहती है, जरूर बेलिंडा और सीरी अच्छे फ्रेंड्स बन गए होंगे, तभी तुम लेट हो ना। बट वो बताती है कि सीरी का तो मैंने दी एंड कर दिया। उसके हाथ में चोट लगी थी जो मैटिल्डा देख लेती है। बेलिंडा कहती है, जब मैं नहाने गई थी पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था जिससे जल गया, पर वहाँ एक बड़ा सा टब था तो मैंने वहाँ अपने सारे कपड़े धो डाले। वो सब समझ गए थे कि बेलिंडा को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। मैटिल्डा मेड से बेलिंडा के लिए क्रीम मंगवाती है और बताती है कि अब से तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं। कैटलिन उनकी बातों से पक गई थी कि अब तो उन्हें खा लेना चाहिए। डैड के ऑर्डर करने पे सब खाने लगते हैं, पर वो इतना सारा खाना देख हैरान थी और पूछती है, क्या ये हमारा लास्ट खाना है। मैटिल्डा उसे जोक समझ के हंस पड़ती है। तो डैड बताते हैं कि मुझे तुम्हारे फेवरेट खाने के बारे में पता नहीं था तो मैंने सब कुछ ही बनवा दिया। वो कहती है, सच में तो मैं अब सब कुछ खा जाऊंगी। जैसे वो स्टीक काटने लगी थी नहीं कटता तो कहती है, सब रुक जाओ ये कच्चा है। कैटलिन कहती है, ये ऐसे ही बनता है। डैड मेड को उसके लिए पका हुआ स्टीक लाने को कहते हैं।
बेलिंडा उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और मेड को रोकती है। उन दोनों की खींचतानी में प्लेट मेड के फेस पे पलट जाती है और वो एम्बेरस होकर भाग जाती है। पास्ता इतना टेस्टी था कि बेलिंडा एक बार में सारा कटक जाती है। जैकब देखता है कि उसके दांत में कुछ फंसा हुआ है तो वो इशारे से उसे हटाने को कहता है, पर उसे लगता है कि वो उसे किस मांग रहा है। कुछ तो शर्म करो, यहाँ पूरी फैमिली बैठी है, तुम्हें किस चाहिए? मेड जेलस हो रही थी। वो गुस्से से बताता है कि मैं तुम्हें दांत साफ करने को बोल रहा था। वो एम्बेरस होकर साफ करती है। मैटिल्डा को हंसी आ रही थी पर कैटलिन का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। रात में डैड लिंडा को एक ब्यूटीफुल से चमकदार वॉच गिफ्ट देते हैं। दोनों बाप बेटी खूब बातें करने लगे थे। डैड कहते हैं, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी मॉम भी जिंदा होती। वो कहती है, क्या पता मॉम की आत्मा आपके पीछे हो। वो डर के पीछे हाँकते हैं, पर वो तो बस मजाक कर रही थी। रात में वो अपने बेड पे उछल कूद रही थी। मॉर्निंग में मेड उसे उठाने आती है तो वो नीचे फर्श पे गिरी पड़ी थी। मेड को लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया और वो उसे और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगती है। तभी बेलिंडा उसे देख के चिल्ला पड़ती है कि तुम मेरे साथ रोमांटिक हो रही थी। पर मेड गुस्सा होकर कहती है, मैं बस यहाँ तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। बेलिंडा डैड करती हुई भाग के आती है, पर डैड ऑलरेडी काम पे चले गए थे और कैटलिन अभी तक सो रही थी। बेलिंडा अकेली नहीं खाना चाहती थी इसलिए मेड को अपने साथ खाने को कहती है, पर वो मना कर देती है कि मेरा फास्ट है। पर जैकब को देख उसके पास भाग के आती है क्योंकि वो उसके साथ खाना चाहती थी। जैकब उसे इग्नोर करता है और बेलिंडा से पूछता है, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है। और उसे एक फोन देता है। वो सेल्फी लेती हुई जैकब को भी बुला लेती है, पर ये देख मेड का दिल टूट रहा था। वो कहती है, जैकब जरूर तुम मुझे लाइक करते हो ना। पर जैकब गुस्से से मना कर देता है कि जल्दी से एक मिनट में रेडी हो जाओ। तो बेलिंडा जल्दी जल्दी सब कुछ एक मिनट में ठूस लेती है, पर बाद में उसके पेट में दर्द हो रहा था और फिर इतना बड़ा होटल देख के हैरान थी। जैकब बताता है कि उसके डैड इस होटल के प्रेसिडेंट हैं, पर कोई उनकी हेल्प नहीं करता। वो इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें खाने पीने या फिर सोने का भी टाइम नहीं मिलता, तो तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। वो हाँ कर देती है, पर तभी उसे उल्टी आ जाती है, वो भी जैकब के शूज पर। वो गुस्सा था, पर वो कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे एक मिनट में रेडी होने को कहा था। उसके डैड आकर बताते हैं कि उन्हें बिजनेस के लिए फौरन जाना पड़ेगा और वाइस प्रेसिडेंट भी चला गया तो होटल को कौन संभालेगा, और वो बेलिंडा को संभालने को बोल देते हैं और जैकब उसे गाइड करेगा। मैटिल्डा बेलिंडा और कैटलिन को स्पा के लिए लेके आई थी। उसके अंदर जाते ही बेलिंडा हैरानी से इधर उधर देख रही थी। कैटलिन पूछती है, क्या तुम पहले कभी स्पा में नहीं आई? वो नहीं आई थी, पर फिर भी कहती है, हाँ यहाँ पे बाल काटने के बाद मसाज देते हैं। कैटलिन कहती है, पर ये वो वाला नहीं है, यहाँ पे नेकेड होना पड़ता है। इनफैक्ट वो बस प्रैंक कर रही थी, बट बेलिंडा तो सच में नेकेड होके आ जाती है। कैटलिन उसकी वीडियो बना लेती है, बाकी सब गर्ल्स उसे देख चिल्ला पड़ती हैं। मैटिल्डा कैटलिन को इस घटिया प्रैंक करने के लिए डांटती हैं और फिर बेलिंडा को वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं, पर वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। नेक्स्ट सीन में हम बेलिंडा को एकदम न्यू लुक में देखते हैं। जैकब को तो उसे देख मुंह खुला का खुला ही रह गया था क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। डैड जाने वाले थे तो बेलिंडा कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। डैड कहते हैं, तुम्हें जैकब की हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से भी फैसले ले सकती हो। फिर जैकब उसे होटल के बारे में सब कुछ बता रहा था, पर वो हर किसी को हेलो कर रही थी और बिल्डिंग को देख हैरान हो रही थी। फिर कहती है, क्या तुम स्टार्टिंग से सब कुछ फिर बता दोगे? क्योंकि उसने तो जैकब की बातें सुनी नहीं थी। जैकब एक फोन कॉल लेनी चाहता है तो बेलिंडा अपने गाँव वालों को कॉल कर सब कुछ बता रही थी। उसे डस्टबिन के पास खड़ा देख एक क्लीनर को लगता है कि वो ट्रेनिंग के लिए आई है और वो उसे न्यू क्लीनर समझ के वॉशरूम की सफाई कराने लगती है। जैकब उसे ढूंढ रहा था और देखता है कि वो सफाई कर रही है। क्लीनर माफी मांगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है और बार बार बेलिंडा से सॉरी बोले जा रही थी, पर बेलिंडा को काम करने में कोई एतराज नहीं था। बाहर ले जाके जैकब उसे डांटता है कि तुम अब प्रेसिडेंट की बेटी हो। बट बेलिंडा के पेट में गुड़गुड़ हो रही थी कि वो बेहोश होने वाली थी और कहती है, मुझसे ऐसे बात मत करो। उसे एहसास होता है कि वो बहुत रूड बिहेव कर रहा था तो सॉरी बोलता है और उसके ऑफिस में लेके आता है। बेलिंडा अपना ऑफिस देख बड़ा खुश होती है और चेयर पे बैठ के एक तानाशाही किंग की तरह ऑर्डर देने लगी थी, नौकर इस जैकब को जला दिया जाए। इनफैक्ट वो बहुत लोनली फील कर रही थी। तभी पीछे से मेड आती है और वो डर जाती है, पर जैकब को देख मेड के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। जैकब बताता है कि मेड अब तुम्हारी असिस्टेंट है तो वो खुश होती है।
फिर एक टीचर बेलिंडा को हैंडशेक करना सिखाने लगी थी, पर वो स्ट्रेंजर से हाथ मिलाने से मना कर देती है। जैकोब उसके साथ हैंडशेक करता है। वो कहती है, वाओ तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। टीचर उसे जैकोब की आईज में देखने को कहती है, तो वो दोनों को कुछ कुछ हो रहा था। मेड जेलस हो रही थी। टीचर उन दोनों को होश में लाती है कि तुम्हें अब स्माइल करना है। भोली वाली बेलिंडा स्माइल करना ही भूल जाती है और अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। टीचर भी तंग आ गई थी, पर वो कर भी क्या सकती है। फिर वो उसे अमीरों की तरह खाना खाना सिखाती है, बट वो छपर छपर किए जा रही थी तो वो उसे चुप रहने कहती है। क्या तुम कभी रेस्टोरेंट गई हो? पर बेलिंडा ने तो स्ट्रीट फूड के अलावा कोई डिश ही नहीं खाई थी, इसलिए टीचर जैकोब को बेलिंडा को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाने को बोलती है। मेड भी जाने को कह रही थी, पर टीचर मना कर देती है। जैकोब उसे ले जाने से मना करने वाला था, पर देखता है कि टीचर बेचारी खुद रो रही है, तो उसे उसको एक रेस्टोरेंट में लेके आना पड़ता है। पर बेलिंडा उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल हो रही थी और बार बार ड्रेस को पिछवाड़े से पकड़ के खींच रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइट थी। सब उसे देखे जा रहे थे। जैकोब एम्बेरस होके उसे ये सब नौटंकी बंद करने को कहता है, पर वो नहीं कर पाती। जैकोब कहता है, बिल्कुल मेरी तरह ऐसी टॉवल अपने आगे रख लो। अगर तुम्हें पता न चले कि तुम्हें क्या करना है, तो अपने आसपास वाले लोगों को फॉलो करना। तो बेलिंडा फॉलो करने के लिए एक आदमी को घूरने लगी थी, बट वो मुंह फेर लेता है। जैकोब वाज लाइक, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की जैकोब को हेलो करती है, जो जैकोब की पुरानी फ्रेंड थी। तभी उन दोनों को बेलिंडा के जोर जोर से चूसने की आवाज आती है। इनफैक्ट वो सूप पी रही थी। तो जैकोब उसे बताता है कि ये मेरे बॉस की बेटी है। फ्रेंड पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर वो मना कर देता है। बट बेलिंडा को फिर से गुड़गुड़ होने लगी थी और वो कंट्रोल कर लेती है। फ्रेंड बेलिंडा से हैंडशेक करती है, तो वो नाच रही थी और जैकोब शर्म के मारे मुंह छुपा रहा था। बेलिंडा पूछती है, क्या तुमने नोज की सर्जरी कराई है? फ्रेंड की बोलती बंद, जैकोब पार टाल देता है। फायर डिश में आग लगी देख बेलिंडा भाग के जा पानी फेंकती है, पर उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। और जैकोब गुस्सा होता है कि तुम बहुत अजीब हरकतें क्यों करती हो, ऐसे तुम कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगी। वो कहती है, सॉरी, पर पहले मेरी लाइफ एकदम डिफरेंट थी, मुझे खुद को प्रूव करने का एक और चांस दे दो। और वो इस पर जैकोब को इम्प्रेस करने में लग जाती है। मेड भी उसकी पूरी हेल्प कर रही थी और उसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी सिखाती है, पर दोनों एक दूसरे पे पानी फेंक के मस्ती करने लगी थी। रात को बेलिंडा और जैकोब डेट पे आते हैं और वो बिल्कुल अमीरों की तरह खाना खा रही थी। जैकोब भी इम्प्रेस हो जाता है। बातों बातों में बेलिंडा बताती है कि तुम्हारी लाइफ एकदम इजी है, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ के लोगों को एक वक्त का खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मुझे इतने डिशेस के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। जैकोब स्माइल कर रहा था क्योंकि वो डिशेस के नाम उल्टे पुलटे ले रही थी। और फिर उसे अपनी सीक्रेट जगह पे लेके जाता है। जब भी वो स्ट्रेस में होता है तो यही आता है और कहता है, इतनी बिलीनियर कंपनी में काम करने का मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, तुम्हारा क्या सपना है? वो कहती है, हमारी तो सपना लेने की औकात ही नहीं थी, हमें तो बस खाना मिलने की टेंशन रहती थी, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने डैड की उम्मीदों को तोड़ दूं। वो कहता है, नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और बेलिंडा को ध्यान से देखने लगा था। वो पूछती है, क्या तुम अपनी उस फ्रेंड को डेट कर रहे हो? पर वो मना कर देता है कि मैं उसके लिए ऐसा वैसा कुछ फील नहीं करता। वो खुश होती है और उसे प्लेबॉय बोल देती है। उन दोनों को बातें करते हुए बहुत हंसी आ रही थी कि रास्ता कट जाता है, पता ही नहीं चलता। बेलिंडा का घर आ गया था। दोनों को बहुत अजीब लग रहा था और फिर हग करते हैं। आखिर दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। मेड झांक के सब कुछ देख रही थी और उन दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआएं देती है, फिर भले ही उसका दिल टूट रहा था। बेलिंडा एकदम से गेट खोलती है तो वो बुड़क जाती है। नेक्स्ट डे वो तीनों होटल में आते हैं और मेड उन दोनों को साथ में देख हार्ट ब्रेक होने की ओवर एक्टिंग कर रही थी। जैकोब बेलिंडा को बताता है कि आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है, पर वो चुपचाप बैठी थी। एक बोर्ड मेंबर उससे क्वेश्चन पूछता है। जैकोब उसे बोलने का इशारा करता है, पर नर्वस होने से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी और वो वॉशरूम का बोलकर भाग जाती है। वो अंदर वॉशरूम कर रही थी और बाहर दो क्लीनर आपस में बातें करने लगी थी कि बेलिंडा की लाइफ कितनी सेट है, एकदम पुअर से इतनी रिच बन गई और बदबू से नाक बंद कर लेती है। बट बेलिंडा को देख उससे माफी मांगती है। जैकोब उसे ढूंढता फिर रहा था और देखता है बेलिंडा क्लीनर्स के साथ डांस कर रही है और उन्हें डांस करना सिखाती है। क्लीनर्स को भी वो बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है, अगर मुझसे कभी गलती हो जाए तो तुम लोग मुझे बता देना ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ। जैकोब स्माइल कर रहा था कि वो उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही है। बेलिंडा उसे देख लेती है और उसे भी डांस करने ले जाती है।
वो पहले तो मना करता है, बट फिर उसे देख के वो भी डांस करने लगा था और सब हंसते हैं। उसके डैड फौरन से वापस आ गए थे तो वो भाग के चा उन्हें हक्कड़ लेती है। डैड और मैटिल्डा उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही है, पर कैटलिन कहती है इसमें क्या बड़ी बात है। डैड कहते हैं अब तुम्हें शेयर होल्डर से मिलवाने का टाइम आ गया है, पर वो बहुत नर्वस थी कि रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी, मेड की भी नींदें उड़ी हुई थी और दोनों रात में कई घंटों तक बातें करती हैं। अब वो दोनों लव राइवल से बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी। बेलिंडा अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस करने के लिए क्लोज होती है, पर वो पीछे जाती है। तुम्हें मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग है पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेलिंडा हंस रही थी क्योंकि वो तो यूं ही कर रही थी। नेक्स्ट डे शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी। बेलिंडा को नर्वस देख जैकोब उसे कम्फर्ट कर रहा था क्योंकि अब वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली थी। डैड उसे स्टेज पे बुलाते हैं, वो हिम्मत कराने लगी थी पर पैर मुड़ने से गिरते गिरते बचती है और गलती से उसके मुंह से गाली निकल जाती है। सब लोग हैरान थे। कैटलिन तो हंस रही थी पर वो एम्बेरस होने की बजाय कॉन्फिडेंटली माइक के पास आती है और अपने दिल से बहुत बढ़िया स्पीच देती है। सब क्लैप करते हैं। जैकोब भी खुश होता है। डैड बेलिंडा को सबसे मिलवा रहे थे और जैकोब उसे खड़ा चुपचाप देखे जा रहा था और स्माइल करता है। तभी मैटिल्डा आकर कहती है तुमने बेलिंडा को बिल्कुल वैसे ही सिखाया है ना जैसा मैं चाहती हूँ, तो प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। पर ये सुन जैकोब की स्माइली उड़ जाती है। बेलिंडा और उसके डैड को आता देख मैटिल्डा चुप हो जाती है और बेलिंडा की छोटी मोटी तारीफ करती है। उनके जाने के बाद बेलिंडा जैकोब को बताती है कि सब कुछ बढ़िया था, बस अगर मैं गिरती ना तो और भी अच्छा लगता। पर जैकोब चुपचाप जाने लगा था। वो हैरान थी कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तुमने तो मेरी इतनी हेल्प की है, तुम्हें मुझ पर प्राउड करना चाहिए। वो कुछ नहीं बोलता। इतने में कैटलिन आ जाती है तो वो धीरे से खिसक जाता है। कैटलिन पहले तो उसे ड्रिंक टेस्ट करने को कहती है और फिर पकड़ के ड्रिंक करने ले जाती है। बेलिंडा बहुत मना कर रही थी पर कैटलिन जबरदस्ती करके उसे खूब पिला देती है, जिससे बेलिंडा एकदम टल्ली हो गई थी और वो स्टेज पे चढ़ के डांस करना स्टार्ट कर देती है। सब उसे देख हंस रहे थे। कैटलिन उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे पर वो बहुत टल्ली थी और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। डैड कैटलिन को डांटते हैं पर वो झूठ बोल देती है कि किसी और ने वीडियो डाल दी होगी। बेलिंडा देखती है कि लोग उसकी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए वो चुपके चुपके रात को घर से भागने लगी थी, पर गार्ड उसे चोर समझ के पकड़ लेता है। वो बताती है कि मैं प्रेसिडेंट की बेटी हूँ पर वो यकीन नहीं करता। मेड भी भाग कर बेलिंडा की साइड लेती है पर गार्ड को लगता है कि मेड भी चोर के साथ मिली हुई है। उन दोनों में फाइट होने लगी थी। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन बाकी सब भी वहाँ जाते हैं। मेड बताती है कि गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा, बेलिंडा प्रेसिडेंट की बेटी है और इसने मुझे अगली बोला। गार्ड प्रेसिडेंट से सॉरी बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बेलिंडा चुपचाप घर से भाग रही थी। डैड सैड होते हैं कि उनकी बेटी उन्हें छोड़ के जा रही थी, तो मैटिल्डा बात बदलने के लिए गार्ड को ही डांटने लगती है क्योंकि वो न्यू गार्ड है। सब अंदर चले जाते हैं। बेलिंडा कहती है डैड मुझे नहीं लगता मैं इस फैमिली का हिस्सा बनने के लायक हूँ, मैंने आपको बहुत एम्बेरस किया, मुझे चले जाना चाहिए। वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग कुछ भी कहें, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। गलतियां तो लाइफ में चलती रहती हैं, पर तुमने कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। बेलिंडा मोटिवेट होती है कि अब से मैं अपना बेस्ट दूंगी। जैकोब को जाते देख मैटिल्डा बुलाती है जो कार में छुपी बैठी थी कि तुम हमारे प्लान को अंजाम क्यों नहीं दे रहे। जैकोब पूछता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैटिल्डा गुस्से में थी कि वो अपने इतने अच्छे बने बनाए प्लान को बीच में क्यों छोड़ दे। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनवा दूंगी। जैकोब बेलिंडा को लाइक करने लगा था और उसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना, पर मैटिल्डा उसे धमकी देती है कि मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी कि ये सब तुम्हारा प्लान था। और जैकोब के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। बेलिंडा होटल की जांच पड़ताल कर रही थी और वेटर से बात कर रही थी। जैकोब उसे दूर से खड़ा देख रहा था तो वो उसे देख के आवाज मारती है, बट वो काम का बोलकर चला जाता है। बेलिंडा कंफ्यूज थी कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर वो बाहर क्लीनर्स के साथ स्ट्रीट फूड खा रही थी। कैटलिन अपनी फ्रेंड्स के साथ थी तो वो उन्हें भी खाने के लिए आवाज मारती है, बट फ्रेंड्स हंसती हैं कि ये कैटलिन की बहन कैसे हो सकती है और इग्नोर करके कार में चली जाती हैं। बेलिंडा को थोड़ा बुरा लगता है। जैकोब उसके ऑफिस में आता है तो वो बड़ा खुश होती है, बट वो तो सिर्फ उसके साइन लेने आया था। वो उसे बोलने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। वो कहती है चलो आज हम रात में डिनर पे चलें, तुमने मेरी इतनी बार हेल्प की है, मुझे भी तुम्हारा थैंक यू करने का मौका दो। वो कहता है नहीं, तुमने जो किया अपने बलबूते पे किया
और सॉरी बोल के चला जाता है तो वो सैड होती है। कैटलिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में थी, एक ब्रेड नाम का लड़का उसमें इंटरेस्टेड दिख रहा था और कैटलिन को भी स्टार्टिंग में वो थोड़ा अच्छा लगता है, बट वो लड़का तो कुछ ज्यादा ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। कैटलिन उसे धक्का मार के भाग जाती है क्योंकि उसके फ्रेंड कोई भी उसका साथ नहीं देती। बेलिंडा सैड बैठी थी तो मेड खाना लाकर देती है। वो उसे बताती है कि पता नहीं जैकब मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। मेड कहती है लड़कों को पटाने का एक ही रास्ता है, उन्हें इग्नोर करो तभी वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तभी कैटलिन रोती हुई आती है और बेलिंडा को सब कुछ बता देती है। बेलिंडा गुस्से से वहां जाकर दूसरे लड़के को ब्रेड समझ के मारने लगी थी। कैटलिन उसे रोकती है पर वो बहुत गुस्से में थी और पता चलता है कि वो लड़का तो ब्रेड है ही नहीं। बेलिंडा उसे सॉरी बोलती है। इतने में ब्रेड आ जाता है जो गुस्से से चिल्लाता है बता तुझे क्या चाहिए। डर के मारे बेलिंडा के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, पर कैटलिन ब्रेड को पकड़ के उसके टांगों के बीच जोर से लात मारती है कि गलती से भी मुझे या मेरी बहन को टच भी मत कर लेना। नेक्स्ट डे बेलिंडा जैकब को फोन कर बुलाती है, उसे लगा कोई इमरजेंसी होगी बट उसने तो उसे पार्क में डेट करने के लिए बुलाया था और कहती है कैटलिन ने मुझे बताया है कि हमें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा वरना किसी को भी हमारी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। बट जैकब गुस्से में था कि तुम्हें पता है टाइम कितना प्रीशियस है, पर वो उसके ऊपर वाटर बैलून फेंक के मारती है। वो कुछ चिल्लाने वाला था तो वो दूसरा फेंक के मारती है। जैकब भी सब कुछ भूल के उसके ऊपर वाटर बैलून फेंक के मारने लगा था और खेलते खेलते जैकब समझ आता है कि वो सच में उसे कितना लाइक करता है। फिर वो उसे कन्फेस कर देता है पर बेलिंडा नर्वस होने लगी थी। नेक्स्ट डे जब बेलिंडा मीटिंग में थी डैड गुस्से से आते हैं और सबको बाहर भेज के उसे अकेले में कहते हैं भले तुम मेरी बेटी हो पर इसका मतलब ये नहीं तुम कंपनी की 30 मिलियन चुरा लोगी। अगर पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेती। पर बेलिंडा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और कहती है मैंने पैसे नहीं चुराए। उसकी आंखों में आंसू थे बट वो गुस्से में थे, कुछ नहीं सुनते तो वो रोती हुई जाने लगी थी। तभी वो मैटिल्डा और जैकब को बातें करता सुन लेती है। इनफैक्ट मैटिल्डा ने प्रेसिडेंट के 30 मिलियन चुराए थे, यही उसका प्लान था ताकि सारा रो बेलिंडा पे लग जाए। बेलिंडा का दिल टूट जाता है कि जैकब ने उसके कहने पे ये सब बस नाटक किया था और जाने लगी थी। जैकब पूछता है क्या तुम ठीक हो, बट वो बिना कुछ बताए कहती है मुझे अपने आप अपने घर जाना है। डैड ड्रिंक कर रहे थे, वो उन्हें बताती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर डैड चुपचाप खड़े थे तो वो उनकी गिफ्ट की हुई वॉच रख के जाने लगती है। कैटलिन और मेड उसे जाने से रोकती हैं, बट वो वापस अपनी गरीबों वाली लाइफ में आ जाती है। वहाँ के लोग उसे देख के खुश होते हैं और मिस्टर किम भी जिन्होंने उसे बचपन से पाला था एक डैड की तरह। जैकब को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो प्रेसिडेंट से जाकर सब कुछ सच बता देता है। फिर भले ही उसकी नौकरी क्यों न चली जाए पर प्रेसिडेंट को ऑलरेडी सब कुछ पता था क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया था। फिर प्रेसिडेंट और मेड बेलिंडा को मिलने उसके गांव आते हैं। डैड सॉरी बोलते हैं कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया था। मैटिल्डा को उसके चोरी के जुर्म में पुलिस पकड़ के ले गई। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। बेलिंडा इसी बात से खुश थी कि डैड को अब उस पे भरोसा है और वो उन्हें माफ कर देती है, पर वो गाँव में रहकर अपनी स्टडी कम्प्लीट करना चाहती थी ताकि अपनी मेहनत के बल से उनकी कंपनी में अच्छी जॉब करने आ सके। डैड उसे खुशी से हक लेते हैं। जब वो सो रही थी तो मेड को देख डर जाती है। इनफैक्ट जैकब उससे माफी मांगने आया था। बेलिंडा बहुत गुस्से में थी तो बताता है कि मैं सच में तुमसे बहुत लव करता हूँ, पर वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी तो वो जाने लगा था। मेड के कहने पे बेलिंडा उसके पीछे भागती है, वो नहीं रुकता और हंस रहा था तो वो कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें प्ले बॉय समझ लूंगी। वो मुड़ के देखता है और दोनों हंसने लगे थे। सब लोग खुशी के मारे कूद रहे थे क्योंकि वो दोनों अब साथ हो गए थे और फिर किस करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ।